हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल रेडोफार्म। माय सेल्फ मंदीप पाटीदार। हमारा डिस्कशन चल रहा है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड सुपेक एसएस यानी सुपेक पे चल रहा है। तीन पार्ट हमारे बच चुके हैं, जो सुपेक पार्ट फोर हम आज बना रहे हैं। सुपेक एसएस ये लास्ट पार्ट रहेगा सुपेक का। इसके बाद हम प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। आप में से जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। और अब रेगुलरिटी रहेगी सेवन सेमेस्टर के सब्जेक्ट को स्पेशली लेके। हम बात कर रहे हैं आज सुपेक एसेस स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंज नॉन स्टेराइल सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब इंट्रोडक्शन की बात करें, सेम कंडीशन है। ये गाइडेंस हमको क्या बोलता है, जो एनडीए एएनडीए और एएडीएस यानी कि एब्रीवेटेड एंटीबायोटिक ड्रग एप्लीकेशन के लिए जब चेंजेस करता है व्यक्ति, एक बार तो अप्रूवल ले लेता और फिर चेंजेस करना चाहता है, तो क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो सकती है। कंपोनेंट एंड कंपोजिशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इक्विपमेंट, स्केल अप स्केल डाउन या साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो चेंज करेगा सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन की। यहाँ पर सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन की बात कर रही है, नॉन स्टेराइल, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये इंट्रोडक्शन सभी जगह आएगा, इसी पे बात होती है। और फिर क्या होगा, ये डिफाइंस क्या करता है कि आप लेवल किस तरह से चेंज करेंगे, किस तरह से लेवल चेंज हो सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल क्या क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे, लेवल किस तरह से आप चेंज करेंगे, ठीक है। फिर इन विट्रो इन विवो रिलीज या बायो इक्विवेलेंस टेस्ट है वो आपको देखना होगा, और डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट द चेंज। ये चार टॉपिक पे गाइडेंस ने बोला है, ये चार टॉपिक आपको कवर करना है। अब सुपेक एसएस की बात करें, ये मई 1997 में इशू किया था एफडीए ने। दिस गाइडेंस एड्रेस नॉन स्टेराइल सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। जितनी भी नॉन स्टेराइल सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है यानी कि क्रीम्स, जेल्स, लोशंस एंड ऑइंटमेंट्स इंटेंडेड फॉर द टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस पे इसने सुपेक एसएस दिया है और क्या आप चेंजेस कर सकते हो वो दिया है। फिर अब कंपोनेंट एंड कंपोजिशन की बात करते हैं, तो कंपोनेंट एंड कंपोजिशन में हमने फिर बात करी थी, लेवल तीन चेंज होते हैं, लेवल फर्स्ट चेंज, लेवल सेकंड चेंज और लेवल थर्ड चेंज। अब लेवल फर्स्ट चेंज में हम यहाँ क्या करेंगे, चेंज क्या हुआ, चेंज जो पहली बात होगी वो वही चेंज होगा कि डिलीशन या पार्शल डिलीशन करा आपने, जो आपका इंग्रेडिएंट या एक्सिपिएंट है उससे आपको प्रोडक्ट की कलर, फ्रेग्रेंस या फ्लेवर चेंज हुआ, तो ये कहाँ तक चेंज करने की आपको अनुमति है, 5% तक की, कम या 5% तक की, ठीक है। द टोटल एडिटिव इफेक्ट ऑफ द एक्सिपिएंट चेंज शुड नॉट बी मोर देन 5%, यानी आपने जो चेंज कर रहा है, दो तीन एडिटिव में भी चेंज कर रहे थे, वो टोटल 5% से ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज इन सप्लायर्स और टेक्निकल ग्रेड ऑफ एनी अदर एक्सिपिएंट, आपने कुछ चेंज कर लिया, सप्लायर में कर लिया, टेक्निकल ग्रेड में कर लिया चेंज, वो आपको देना पड़ेगा। फिर चेंज सोर्स ऑफ एन एक्सिपिएंट, रीजन देना पड़ेगा आपने चेंज कराया चेंज सोर्स का, तो क्यों हुआ है। सेकेंड सोर्स ऑफ द एक्सिपिएंट, अब आपके पास जो रीजन है वो क्या क्या हो सकते हैं, एक तो आपके पास दूसरा सोर्स आ गया यानी कि सेकंड सोर्स ऑफ एक्सिपिएंट, उसी एक्सिपिएंट को कोई दूसरा व्यक्ति दे रहा है, ठीक है, सस्ते में दे रहा है। बिकॉज ऑफ द एक्सिपिएंट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स इज नो लॉन्गर अवेलेबल, जो पहले व्यक्ति से आपने बात करी थी वो अब दे नहीं पा रहा है, उसके पास प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या उसके पास माल सप्लाई नहीं है, तो अब फिर आप किससे लोगे, दूसरे से लोगे ना। ड्यू टू डिजास्टर और बिकॉज ऑफ ओरिजिनल सप्लायर हैज विथड्रॉन फ्रॉम द मार्केट, या तो कुछ ऐसा डिजास्टर आ गया, अब आप मानने के लिए बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, जिसके कारण से जिस सप्लायर से आप एक्सिपिएंट ले रहे थे वो आपको दे नहीं पा रहा, या फिर उस सप्लायर ने दुकान बंद कर दी यानी कि अपनी कंपनी बंद कर दी, अपना जो मार्केट है वो पूरा बंद करके वो बंद चले गया, उसको लॉस हो गया या किसी और रीजन से, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, आप किसी दूसरे से ही लेंगे ना। तो इन तीन सिचुएशन में आप चेंज करते हैं अपना एक्सिपिएंट का सोर्स। अब टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे, केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन में वही जो ऑफिशियल कंपेंडिया यानी यूएसपी जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और एक स्टेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे। स्टेबिलिटी टेस्टिंग फर्स्ट लेवल में क्या होती है, फर्स्ट प्रोडक्शन बेच ऑन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रिपोर्ट यानी एनुअल रिपोर्ट। जो फर्स्ट लेवल है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट प्रोडक्शन बेच रहेगा आपका उसका एक साल का लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी टेस्ट करना है और उसको एनुअल रिपोर्ट में लगाना है। इन विट्रो रिलीज डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, इन वीवो बायो इक्विवेलेंस डॉक्यूमेंटेशन की भी जरूरत नहीं है। अब फाइलिंग आप क्या करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट आपको वहां करना है, एनुअल रिपोर्ट एक आपको फाइल करना है। अब यदि आप लेवल टू चेंज करते हैं, इसमें क्या 5% से ज्यादा और प्लस माइनस 10% से कम अप्रूव्ड अमाउंट एन इंडिविजुअल एक्सिपिएंट, आप इंडिविजुअल एक्सिपिएंट में 5% से 10% तक चेंज कर सकते हैं, लेकिन 10% से बराबर और 10% से ज्यादा नहीं, 10% से कम कर सकते हो, ठीक है। द टोटल एडिटिव इफेक्ट ऑफ ऑल एक्सिपिएंट चेंज शुड नॉट बी मोर देन 10%, यहां भी वही बात है, वहां 5% था। अब यहां पर यदि आप दो तीन चार जितने भी एक्सिपिएंट में चेंज कर रहे हो लेकिन उनका टोटल जो अमाउंट है वो 10% से ज्यादा चेंज
नहीं होना चाहिए। चेंज इन द टेक्निकल ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मिंग एक्सिपिएंट, जो आपका स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है सेमी सॉलिड को, उसमें चेंज कर रहे हो उसकी ग्रेड में। चेंज इन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग सब्सटेंस इफ द ड्रग इज सस्पेंशन, यदि सस्पेंशन है और उसका पार्टिकल साइज आप चेंज कर रहे हो तो आपको लेवल टू चेंज लगेगा। अब लेवल टू चेंज आप करेंगे तो क्या करेंगे, टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन में वही रहेगा आपका जो ऑफिशियल कंपेंडिया बोलता है, साथ ही साथ एक्सक्यूटेड बैच रिकॉर्ड आपको यहां पर रखना पड़ेगा। स्टेबिलिटी टेस्टिंग का करें, स्टेबिलिटी टेस्टिंग आप करेंगे वन बैच विथ 3 मंथ एक्सेलरेटेड स्टडी डाटा, ठीक है। आपके पास एक बैच है उसका 3 मंथ का एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा आपको देखना है। एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा हम बात कर चुके क्या होता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा, फर्स्ट प्रोडक्शन बैच का लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा देखना और रिपोर्ट में आपको पेस्ट करना है। अब इन विट्रो रिलीज डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो इन विट्रो रिलीज डॉक्यूमेंटेशन की क्या बात होगी, तो जो आपका नया आपने फॉर्मुलेशन बनाया है यानी जो चेंज करने के बाद बनाया उसको आपने जो प्रीवियस बनाया था उसके साथ और जो ऑफिशियल है उसके साथ कंपेयर करना है। इन विवो बायोक्यूएलएस डॉक्यूमेंटेशन की यहां पर जरूरत नहीं है। फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन एनुअल रिपोर्ट से आपका यहां पर काम चल जाएगा। लेवल थ्री चेंज की बात करें तो लेवल थ्री चेंज में क्या होगा, एनी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज इज एन एक्सिपिएंट बियॉन्ड द रेंज नोटेड इन द लेवल टू रेंज, यानी 10% से ज्यादा जो आपको लेवल टू में लोटेड है, यानी 2% 10% से ज्यादा आप कुछ चेंज करेंगे तो ये लेवल थ्री की कैटेगरी में जाएगा। चेंज इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द ड्रग सब्सटेंस इफ द ड्रग इज सस्पेंशन, अब सस्पेंशन आपका है और आपने उसके क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज कर लिया, एमोर्फस से आपने किसी और फॉर्म में चेंज कर लिया, तो आपको लेवल थ्री चेंज देना पड़ेगा। अब इस लेवल थ्री चेंज की कैटेगरी में अब जब आएंगे तो केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन में आपको वही बैच रिकॉर्ड एक देना है एक्सिक्यूटेड और उसी के साथ जो ऑफिशियल कंपेंडिया आपका यूएसपी बोलता है वो डॉक्यूमेंट देना है। अब यहाँ पर दो सिचुएशन बनती है लेवल थ्री में, आपको पता है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट बॉडी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं है। यदि बॉडी ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है तो क्या करेंगे, हम एक बैच का 3 महीने तक एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा देख लेंगे और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा देख लेंगे किसी का, किसका, फर्स्ट 3 प्रोडक्शन बैच का। यदि आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे, एक बैच का 3 महीने का एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा देखेंगे और पहली 3 बैच का आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा देखेंगे जिसको एनुअल रिपोर्ट में फाइल करेंगे। पर यदि आपके पास सिग्निफिकेंट बॉडी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या करेंगे, 3 बैच का 3 मंथ का एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा देखेंगे और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा फर्स्ट 3 प्रोडक्शन बैच का आपको एनुअल रिपोर्ट में देना है। इन विट्रो रिलीज डॉक्यूमेंटेशन की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। इन विवो बायोइक्विवेलेंस आपको यहां पर फुल लेंथ बायोइक्विवेलेंस स्टडी करना पड़ेगी लेवल 3 में, ठीक है। इन विट्रो रिलीज अदर अप्रोच ऑन द लोअर स्ट्रेंथ, फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन एनुअल रिपोर्ट, आप इतना याद रखो। प्रिजर्वेटिव फॉर सेमी सॉलिड प्रोडक्ट, अब यदि आपने जो प्रिजर्वेटिव यूज करा है सेमी सॉलिड प्रोडक्ट में उसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हो, एनी चेंज इन द प्रिजर्वेटिव में अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जो क्वालिटी की प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज करता है। इफ एनी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंज आर मेड इन द फॉर्मुलेशन एडिशनल टेस्टिंग शुड बी परफॉर्म, आपने चेंज करा एडिशनल टेस्टिंग आपको करना पड़ेगी। नाउ इन विट्रो रिलीज डॉक्यूमेंटेशन और इन विवो बायोइक्विवेलेंस डॉक्यूमेंटेशन इज नीडेड फॉर प्रिजर्वेटिव चेंज, आपको इन विट्रो इन विवो डॉक्यूमेंटेशन प्रिजर्वेटिव के लिए नहीं लगेंगे क्योंकि इनका क्या है, जो प्रिजर्वेटिव आप यूज कर रहे हो उसका रिलीज से कोई मतलब ही नहीं है ना, कोरिलेशन ही नहीं है, इसलिए इनकी इन विट्रो इन विवो पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं लेवल चेंज पे, किसका, प्रिजर्वेटिव का आपने चेंज करा, कितना लेवल फर्स्ट चेंज हुआ आपके प्रिजर्वेटिव का, क्वांटिटेटिवली 10% और लेस चेंज इन द ऑब्जर्व अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव, आपने 10% या उससे कम चेंज करा प्रिजर्वेटिव में, ठीक है, तो आपका लेवल फर्स्ट चेंज होगा। टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन में आपका ऑफिशियल कंपेंडिया और प्रिजर्वेटिव इफेक्टिव टेस्ट आपको करना पड़ेगी। फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन इसका रहेगा एनुअल रिपोर्ट। लेवल टू चेंज यदि हम प्रिजर्वेटिव की बात करते हैं तो ये 10-20% के बीच में रहेगा जो अप्रूव्ड अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव है। टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो ऑफिशियल कंपेंडिया और वहीं प्रिजर्वेटिव इफेक्टिव टेस्ट आपको करना पड़ेगी और फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स में चेंज बीइंग अफेक्टेड सप्लीमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये अभी प्रिजर्वेटिव का लेवल 3 चेंज आप कर रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, क्वांटिटेटिवली ग्रेटर देन 20% चेंज, आपने 20% चेंज से अप्रूव जो अमाउंट है उससे चेंज करा या फिर आपने डिफरेंट प्रिजर्वेटिव यूज किया, आपने प्रिजर्वेटिव ही चेंज कर दिया,
तो क्या करेगा, आपको टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे, आप एक तो यूएसपी जो बोलती है वो रिलीज रिक्वायरमेंट, आपको ड्रग रिलीज रिक्वायरमेंट रहेगी, फिर प्रिजर्वेटिव इफेक्टिवनेस टेस्ट आपको देखना पड़ेगा, फिर एनालिटिकल मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड एसओ फॉर न्यू प्रिजर्वेटिव, जो न्यू प्रिजर्वेटिव है उसके लिए आपने जब प्रिजर्वेटिव चेंज किया तो एक तो एनालिटिकल मेथड आपको देखना पड़ेगी कि इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो इसमें वाकई में वो प्रिजर्वेटिव है कि नहीं, कौन सी मेथड यूज करेंगे, और असे उसका कि प्रिजर्वेटिव हम चेक कर रहे हैं कितना परसेंट है तो उसकी असे मेथड आपको बताना पड़ेगी। वैलिडेशन स्टडी टू शो दैट द न्यू प्रिजर्वेटिव डज नॉट इंटरफेयर विद द एप्लीकेशन कंपेंडियल टेस्ट, आपका जो एप्लीकेशन कंपेंडियल टेस्ट है उसके वैलिडेशन एक स्टडी देना पड़ेगी। एग्जीक्यूटेड बैच रिकॉर्ड आपको यहाँ पर देना है। अब स्टेबिलिटी टेस्टिंग की बात आएगी तो पहली बैच जो रहेगी उसका 3 महीने का एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा, और जो दूसरी फर्स्ट प्रोडक्शन बैच है उसका एनुअल स्टेबिलिटी डाटा आपको देना पड़ेगा। फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर आपको वही आएगा कि जो सपोर्ट है आपका कंप्लीट वो आपको देना है, ऑल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा और एनुअल रिपोर्ट आपकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा। फिर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में हम बात करते हैं क्या क्या चेंज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में एक तो आप इक्विपमेंट चेंज करेंगे फर्स्ट, और नंबर टू आप क्या चेंज करेंगे वहां पर, नंबर टू चेंज करेंगे आप प्रोसेस। तो हम पहले बात करते हैं इक्विपमेंट चेंज की। अब इक्विपमेंट चेंज में भी फिर 3 लेवल रहेंगे, लेवल फर्स्ट, लेवल टू और लेवल थ्री। लेवल फर्स्ट में क्या रहेगा, आपने चेंज करा कैसे, नॉन ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट से आप मतलब जो इक्विपमेंट है उससे ऑटोमेटेड इक्विपमेंट पे गए, नॉन मैकेनिकल से मैकेनिकल पे गए, जो आपका इंग्रेडिएंट ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। चेंज टू अल्टरनेटिव इक्विपमेंट टू सेम डिजाइन ऑफ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, अब सेम डिजाइन है एंड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है पर अल्टरनेटिव आपने इक्विपमेंट यूज करा है, ठीक है। टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन केमिस्ट्री में ऑफिशियल कंपेंडियल यूएसपी आपका जो लगेगा, नोटिफिकेशन आपको देखना पड़ेगा और उसको सबमिट करना पड़ेगा एग्जीक्यूटेड बैच रिकॉर्ड को। स्टेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे तो फर्स्ट प्रोडक्शन बैच का आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा देखना है, लेवल फर्स्ट में केवल जो पहली बैच बनाएंगे उसका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा देख लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। इन विट्रो और इन विवो रिलेज कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। फाइलिंग डॉक्यूमेंट यदि आप करते हैं लेवल फर्स्ट तो केवल आपको एनुअल रिपोर्ट देना है। अब यदि आप लेवल टू चेंज करते हैं, इसमें चेंज क्या करेंगे, चेंज इन इक्विपमेंट टू अ डिफरेंट डिजाइन और डिफरेंट ऑपरेशन प्रिंसिपल, आपने डिजाइन चेंज कर दिया आपके इक्विपमेंट का और प्रिंसिपल भी उसका चेंज है वर्किंग, ठीक है, तो आप लेवल टू की कैटेगरी में जाएंगे। चेंज इन टाइप ऑफ मिक्सिंग इक्विपमेंट, आपका मिक्सिंग इक्विपमेंट उसकी टाइप चेंज कर दी, हायर शेयर मिक्सर टू लो शेयर मिक्सर, ये एक एग्जांपल हो गया आपका। तो इस तरह से आपने चेंज करा तो आप लेवल टू की कैटेगरी में जाएंगे। ऑफिशियल कंपेंडिया और एग्जीक्यूटिव बैच रिकॉर्ड, ये आपका टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन होगा यानी केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन। फिर वही बात आती है सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल और नहीं अवेलेबल। अवेलेबल है तो पहली बैच का 3 महीने का एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा और फर्स्ट प्रोजेक्शन बैच का एनुअल रिपोर्ट, नहीं है तो क्या होगा, 3 मंथ का एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा देखना है लेकिन कितनी, 3 बैच का, और इसी फर्स्ट 3 बैच का लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा देखना है। इन विट्रो रिलीज डॉक्यूमेंटेशन में वही बात आएगी कि आपको पहला जो लॉट है उसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है, इन विवो बायोइक्विवेलेंस की जरूरत नहीं है। फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन की आपको एनुअल रिपोर्ट यहां पर देना है। लेवल थ्री चेंज, यहां पर लेवल थ्री चेंज इक्विपमेंट का कुछ भी नहीं है, केवल लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोसेस चेंज की। आपने इक्विपमेंट चेंज कर लिया उसमें लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड उन्होंने कैटेगराइज करा है, अब हम प्रोसेस चेंज की बात करेंगे कि भाई प्रोसेस चेंज करना है हमको। अब लेवल फर्स्ट में क्या करा आपने, प्रोसेस चेंज कर दी किसकी, रेट ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग टाइम, ऑपरेशन स्पीड, होल्डिंग टाइम्स विथ अप्रूव्ड एप्लीकेशन रेंज। आपकी एप्लीकेशन रेंज है मानने के लिए 100 to 200 RPM पे किसी चीज को मिक्स कर सकते हो, और आपने जब इनिशियल दिया था प्रपोजल तब बोला था आपने 120 RPM पे हम यूज करेंगे, लेकिन आपको कुछ चेंजेस करे उसके कारण आपने 180 RPM कर लिया, तो ये आपका मिक्सिंग की स्पीड चेंज हो गई, तो जिसके लिए आपको लेवल फर्स्ट चेंज में आएंगे, ये आपकी प्रोसेस चेंज आ गई, ठीक है। अब ऑल्सो ऑर्डर टू एडिशनल कंपोनेंट टू अदर ऑयल और वाटर, आप और कुछ ऐड कर रहे हैं ऑयल या वाटर, तो इस सिचुएशन में भी आप सेकंड चेंज में जाएंगे, प्रोसेस चेंज में, ठीक है। टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल कंपेंडिया जो यूएसपी बोलती है उस पर जाएंगे, इन विट्रो बायो इक्विवेलेंस डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। फाइलिंग रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट, ये आपका लेवल फर्स्ट हो गया प्रोसेस चेंज में। अब लेवल टू, लेवल टू में आप क्या करेंगे, चेंज सच एज रेट ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग टाइम, सब कूलिंग ऑपरेशन, स्पीड, होल्डिंग टाइम, ये सब चीजें बात करेंगे। फिर एप्लीकेशन रेंज फ्रॉम द ऑल डोजेस फॉर्म, ऑल एनी चेंज इन द प्रोसेस ऑफ
कंबाइनिंग द फेज, दो फेज आप जब मिला रहे हैं, आपने प्रोसेस करा कि मैं इस तरह से ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, जब फेज हम मिक्स करते हैं तो ये प्रोसेस रहेगी, इस समय पे रहेगी, उसमें आप कुछ चेंजेस कर रहे हो तो आप लेवल टू में जाएंगे। टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन में ऑफिशियल कंपेंडिया जो बोलता है वो, और एग्जीक्यूटेड बेच रिकॉर्ड। सिग्निफिकेंट बॉडी अवेलेबल है तो क्या करेंगे, वन बेच का थ्री मंथ का एक्सेलरेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा करना है और एक फर्स्ट बेच का लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा करना है, ये आपको पता होना चाहिए। और नहीं है तो तीन बेच का तीन महीने का एक्सेलरेटेड डाटा और फर्स्ट थ्री बेच का आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा देखना है। इन विवो रिलीज, इन विट्रो रिलीज में आपको फिर वही आ गया कि आपको इन विट्रो रिलीज फर्स्ट जो लॉट है आपने वो बनाया उसका प्रिपेयर करना और न्यू मॉडिफाइड प्रोसेस इनका कंपेयर करना है। बायो इक्विवेलेंस की यहाँ पर जरूरत नहीं है। फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन आपका एनुअल रिपोर्ट रहेगी, लेवल थर्ड चेंज यहाँ पर नहीं आएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि इक्विपमेंट और प्रोसेस दोनों में लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड चेंज हो रहे हैं, किसमें, सेमी सॉलिड नॉन स्टराइल सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की जब हम बात करते हैं, इनमें लेवल थर्ड नहीं होता है। अब फिर हम बात करेंगे बेच साइज का स्केल अप या स्केल डाउन की, आप बात कर रहे हैं तो बेच साइज का स्केल अप स्केल डाउन करेंगे तो क्या होगा, आप 10% यानी एटलीस्ट 100 kg 10% ऑफ द प्रोडक्शन में विच इज लार्जर, आप इस पे बात कर सकते हैं। ऑल स्केल चेंज शुड बी प्रॉपरली वैलिडेटेड एंड मे बी इंस्पेक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट एजेंसी पर्सनल, आपको वैलिडेशन देखना है जो प्रोसेस आपको स्केल डाउन या स्केल अप कर रहे हैं और किससे, अप्रोप्रिएट एजेंसी से आपको उसको कराना है जो व्यक्ति करता है। सॉरी अब यहाँ पर लेवल फर्स्ट चेंज की बात करेंगे तो चेंज क्या हो सकता है, द इक्विपमेंट यूज टू प्रोड्यूस द टेस्ट बेच आर द सेम डिजाइन एंड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, द बेच इज मैन्युफैक्चरिंग फुल कंप्लायंस विद GMP। आप जो चेंजेस कर रहे हो स्केल डाउन या स्केल अप भले ही कुछ भी कर रहे हो लेकिन आपका जो इक्विपमेंट है वो सेम होना चाहिए, सेम डिजाइन होना चाहिए और सेम प्रिंसिपल पे काम करना चाहिए, CGMP वहां पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में होना चाहिए। द सेम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप यूज करेंगे, सेम फार्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर आप यूज करेंगे, टेस्ट प्रोसीजर टेस्ट बेच सब सेम रहेगा, ये लेवल फर्स्ट चेंज में यदि आप करते हैं। केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या लगेगा, आपको ऑफिशियल कंपेंडिया और एक बेच रिकॉर्ड एनुअल रिपोर्ट के साथ देना पड़ेगा। स्टेबिलिटी टेस्टिंग फर्स्ट लेवल में हम बात करते हैं हमेशा कि जो आपकी एक बेच है उसका लॉन्ग टर्म फर्स्ट प्रोडक्शन बेच का लॉन्ग टर्म डाटा आपको देखना है। इन विट्रो इन वीवो की जरूरत नहीं है। फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन आपका यहाँ पर एनुअल रहेगा। अब यदि हम लेवल टू चेंज की बात करते हैं तो लेवल टू चेंज में क्या करेंगे, चेंज इन द बेच साइज फ्रॉम बियॉन्ड अ फैक्टर ऑफ 10 times, 10 times से ज्यादा आप चेंज कर रहे हो तो लेवल टू की कैटेगरी में आएंगे। इक्विपमेंट सेम डिजाइन सेम ऑपरेशन कंडीशन के रहेंगे, CGMP भी यहाँ फॉलो होगा और ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी सेम रहेगी लेवल टू में। टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन में ऑफिशियल कंपेंडिया यानी USP जो बोलता है और आपको एक नोटिफिकेशन देना है बेच रिकॉर्ड नया बनाना है, ठीक है। स्टेबिलिटी टेस्टिंग आप क्या करेंगे, एक बेच का 3 महीने का एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा देखेंगे और फर्स्ट जो प्रोडक्शन बेच है उसका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा देखेंगे। इन विट्रो रिलीज डॉक्यूमेंटेशन में वही आ गया कि आपको फर्स्ट स्केल अप स्केल डाउन जो करा है उसके कंपेरिजन करना है। इन विवो बायो इक्विवेलेंस डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन एनुअल रिपोर्ट रहेगी, लेवल थर्ड चेंज यहाँ पर अप्लाई नहीं है। अब मैन्युफैक्चरिंग साइट चेंज कर दी हमने, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग साइट हर जगह हमने बात करी किस तरह की होती है, हम फटाफट पढ़ लेते। चेंज इन द लोकेशन ऑफ द साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आपने लोकेशन चेंज कर दी, पैकेजिंग और फिलिंग ऑपरेशन आपने चेंज कर दिया, टेस्टिंग ऑफ बोथ कंपनी ओन्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज की टेस्टिंग प्रोसीजर चेंज कर दी, या न्यू मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन शुड हैव अ सैटिस्फैक्टरी CGMP, ये होना चाहिए आपका, इंस्पेक्शन होना चाहिए। अब इसमें लेवल चेंज कर गएंगे तो लेवल फर्स्ट चेंज में आपने क्या करा, आपने एक ही बिल्डिंग है उससे जिस जगह पे आपने दिखाया था वहां से उससे एडजेसेंट जो रूम है वहां पर चेंज कर दिया। अब यहां पर क्या होगा, आपने मानने के लिए फर्स्ट फ्लोर दिखाया और सेकंड फ्लोर पे आपने शिफ्ट कर दिया कि भाई हम सेकंड फ्लोर पे ये काम करेंगे, प्रोडक्शन जो पायलट ब्लॉक है हम सेकंड फ्लोर पे करेंगे। अब सेकंड फ्लोर पे क्या हो गया, चेंज हो गया, या आपने इस रूम में बताया सेकंड रूम में कर रहे थे, चेंजेस हो गया। चेंजेस होने पर यहाँ पे क्या चेंज हुआ, केवल आपने जगह चेंज करी थोड़ी सी, आपकी SOP सेम रहेगी, आपका एनवायरमेंट सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, कंट्रोल सिस्टम सेम रहेगा, पर्सन लोग जो आप वहां पर काम करते हैं वो सेम रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग साइट सेम रहेगी। वेयर नो चेंज आर मेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेच रिकॉर्ड की कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन और लोकेशन ऑफ द फैसिलिटी चेंज हो जाएगी। फर्स्ट फ्लोर हो गया, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये लोकेशन चेंज हो गई और वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है वो चेंज हो गए,
कॉमन इज डिफाइंड एज एम्प्लॉय ऑलरेडी वर्किंग, वहाँ जो कॉमन चीज़ है वह कैंपस है, सुटेबल एक्सपीरियंस सबके पास मैन्युफैक्चरिंग का रहेगा। टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे, ऑफिशियल कंपेंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। इन विट्रो और इन वीवो बायो इक्विवेलेंस की जरूरत नहीं है। फाइलिंग आप करेंगे एनुअल रिपोर्ट। लेवल टू चेंज यदि आप करते हैं साइट चेंज में, तो क्या होगा, यहाँ पर आप है तो वहीं उसी पर्टिकुलर कैंपस में, लेकिन आप 20 बिल्डिंग को छोड़ के कट्टा जीएस दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हो, यानी कि जो एक 70-80 किलोमीटर में फैली हुई है हमारी, या 70-100 एकड़ में एक फैक्ट्री फैली हुई, उसमें अलग अलग ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक को छोड़ के हम अगले ब्लॉक में बना रहे, तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंडीशन वहां पर सेम रहेगी। 100 मीटर 200 मीटर का डिफरेंस हुआ या आपका 500 मीटर का डिफरेंस हुआ, तो चेंजेस कुछ नहीं होगा, सब चीज़ें सेम रहेगी, लोग भी लगभग सब चेंज रहेंगे, तो वही चेंज रहेगा। चेन्नई आपको डॉक्यूमेंट्स क्या देना है, टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन में केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन जो ऑफिशियल कंपेंडिया बोलता है उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। प्रोडक्ट रिलीज रिक्वायरमेंट यहाँ पर लगती है क्योंकि सेमी सॉलिड की बात चल रही है। स्टेबिलिटी टेस्ट की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा आपको एक बेच का देखना है। इन विट्रो रिलीज डॉक्यूमेंटेशन इन वीवो की जरूरत नहीं है। फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा आपको देखना पड़ेगा। अब आप साइट चेंज में मैन्युफैक्चरिंग साइट चेंज में लेवल थ्री चेंज कर रहे हैं। लेवल थ्री चेंज की कैटेगरी में कब जाएंगे, लेवल थ्री की चेंज की कैटेगरी में जब जाएंगे जब आपने साइट चेंज ही कर दी, यानी कि जहां पर कंपनी है वहां से छोड़ आप किसी दूसरी जगह जा रहे हैं 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर या दूसरी सिटी में जा रहे हैं 500 किलोमीटर, तो यहां पर क्या हो गया, साइट चेंज हो गई, इन्वायरमेंट चेंज हो गया, लोग चेंज हो गए, सब चीजें चेंज हो गई, लेकिन इक्विपमेंट एसओपी जो है आपको सेम रखना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर आपको सेम रखना है नई जगह। वहां एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो सकता है वहां पर कुछ चेंज हो। सपोज करो हम यहां से हैदराबाद चले गए, कोई कंपनी है मुंबई से हैदराबाद शिफ्ट हो गई, आपने प्रोडक्शन वहां शिफ्ट कर लिया, तो क्या होगा, ये एक लैंग्वेज चेंज होने का सिस्टम हो सकता है। अ चेंज ऑफ ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर भी आप करा सकते हैं, तो किसी और से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पहला आपका फेल हो गया। अब हम बात करते हैं टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन। टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगा, लोकेशन जो आपकी न्यू साइट की है वो आपको देना है और एक एग्जीक्यूटेड बेच रिकॉर्ड देना है, दूसरे जो आपकी ऑफिशियल कंपेंटिया बोलती है उससे बाहर नहीं जाना है। सिग्निफिकेंट बॉडी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सिग्निफिकेंट बॉडी इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है। अवेलेबल है तो एक बेच का आपको क्या करना है, 3 महीने का एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा देखना है और एक बेच का लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा देखना है, ठीक है, 3 प्रोडक्शन बेच का। अब सिग्निफिकेंट बॉडी नहीं है तो क्या करेंगे, आप 3 बेच का लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा देखेंगे और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा फर्स्ट 3 प्रोडक्शन बेच का देखेंगे। इन वीवो रिलीज डॉक्यूमेंटेशन में फर्स्ट जो प्रोडक्शन बनाया, जो पहले बनाया था, उनका कंपेरिजन आपको करना है। बायो इक्विवेलेंस डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। एनुअल रिपोर्ट आपकी फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन में लगेगी। अब यदि हम बात करते हैं इन विट्रो रिलीज टेस्ट की, इन विट्रो रिलीज टेस्ट की क्या बात होगी, इन विट्रो रिलीज इज अ वन ऑफ द सेवरल स्टैंडर्ड मेथड विच कैन बी यूज टू कैरेक्टराइज परफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिनिश्ड टॉपिकल डोजेस फॉर्म दैट इज सेमी सॉलिड सच एज क्रीम जेल एंड ऑइंटमेंट। क्रीम जेल एंड ऑइंटमेंट या टॉपिकल डोजेस फॉर्म की जो बात करते हैं तो इन विट्रो रिलीज हमको देखना ही देखना पड़ता है। इंपॉर्टेंट चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग प्रोडक्ट फार्मूला, या तो आपने फार्मूला में चेंज कर दिया तो उसका जो पेनिट्रेशन पावर है वो चेंज हो सकता है। थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी आपने यदि ड्रग की चेंज कर दी या उसमें जो यूज कर रहे थे एक्सिपिएंट उसको चेंज कर दिया तो रिलीज में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। इन विट्रो रिलीज मेथड फॉर ऑप्टिकल डोजेस टॉपिकल डोजेस फॉर्म इज बेस्ड ऑन द ओपन चेंबर डिफ्यूजन सेल सिस्टम। आप प्रैक्टिकल करेंगे, आपके पास हर कॉलेज में होता है लगभग एक फ्रांस डिफ्यूजन सेल सिस्टम होता है, फ्रांस सेल सिस्टम, और फिल्टर्ड यूजुअली विद अ सिंथेटिक मेंबर, सिंथेटिक मेंबर मेम्ब्रेन भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन सेल में आपने आपका जो केमिकल है यानी जो आपकी ड्रग है जो आपने बनाया सेमी सॉलिड प्रिपरेशन उसको रख लिया, डिफ्यूजन सेल में आपने एक मेम्ब्रेन लगाई, उस मेम्ब्रेन को सिंथेटिक मेम्ब्रेन या आप किसी और की भी लगा सकते हैं, लेकिन सिंथेटिक मेम्ब्रेन जनरली हम यूज करते हैं क्योंकि एनिमल मेम्ब्रेन लेने जाएंगे तो हमको अप्रूवल लेना पड़ेगा एनिमल डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंथेटिक मेम्ब्रेन लगाएंगे, उसको फिर एक सॉल्यूशन में जो हमारा पीएच है उस पीएच को स्किन के पीएच पे मैनेज करके रखेंगे, उसके बाद उस ड्रग को रखेंगे और फिर ये चलने देंगे। अब ये क्या होगा, उस मेम्ब्रेन के थ्रू रिलीज होता रहेगा और सैंपल लेते रहेंगे, इन सैंपल को आप टेस्ट करते रहेंगे, आप एचपीएलसी लगा रहे हैं, आप टाइट्रेशन कर रहे हैं, आप यूवी पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये प्रोसेस है। इसके बारे में किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे कि फ्रांस डिफ्यूजन सेल से प्रैक्टिकल किस तरह से कर सकते हैं। अब इन वीवो बायो इक्विवेलेंस स्टडी की बात करें तो इसमें क्या होगा,
आप स्टडी फॉर सेमी सॉलिड फॉर्म द वेरियस डिपेंडिंग ऑन द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, जो ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है उस पर बायो इक्विवेलेंस स्टडी बेस करती है, लेकिन जो कॉमन बात है उसमें हम ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो कंपेयर करेंगे आपका जो लिस्टेड है, रेफरेंस लिस्टेड ड्रग है उससे कंपेरिजन करना है। फिर डिजाइन क्या है, डिजाइन डिपेंड करेगी जो आपका ड्रग का नेचर है उसके ऊपर। और तीसरा आपका एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड की हम बात करते हैं तो मेथोडोलॉजी वही हुआ है। स्पेसिफिसिटी आपको देखना है, एक्यूरेसी, इंटरडे और इंट्राडे प्रिसिशन आपको देखना है, लिनियरिटी, स्टैंडर्ड कर्व, ये सब चीजें देख के आपका एनालिटिकल मेथड का देखना है, ठीक है। रेफरेंस की बात करेंगे तो हमारा FDA GOV पे जाएंगे, www.FDA GOV पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चैनल को जिसने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।